नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्री। लोकसभा का पांचवा चरण समाप्त हो गया। नेता अब अगले चरण की तैयारी में जुट गए हैं और जनता से वादे और इरादे के साथ मिल रहे हैं। इसी बीच देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन पर एक बार फिर हमला बोला है। सीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 23 मई को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सपा बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच खून खराबे की आशंका है और इसके मद्देनजर हम सुरक्षा संबंधी एक एडवाइजरी जारी करेंगे। योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब लोकसभा का परिणाम आएगा तो बुआ बोलेगी कि बबुआ तो गुंडों का सरदार है, वहीं बबुआ बोलेगा कि बुआ तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है। आप देख लेना, ये तय है और हम भी तैयार हैं। जब इन लोगों में मारपीट होगी तो हम यूपी में खून खराबा नहीं होने देंगे। हम पहले से ही एडवाइजरी जारी करेंगे कि लूटपाट और इनकी आपसी मारकाट का शिकार प्रदेश का गरीब, किसान, दलित, महिलाएं और नौजवान समेत कोई भी नागरिक नहीं हो। सीएम योगी यही नहीं रुके और आगे केंद्र की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि जनधन योजना की आड़ लेते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तल्ख टिप्पणी। सीएम ने कहा कि जनधन खाते खोले जाने पर इसका फायदा पूछने वाले सपा अध्यक्ष पर अफसोस होता है। उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने उन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, मगर वो कैसे पढ़े लिखे हैं जिनको यही नहीं पता कि आज डिजिटल पेमेंट का समय है। सपा बसपा की क्लास लेने के बाद सीएम योगी ने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। योगी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की पिछली सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले जाता था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से केंद्र में सरकार बनी तब से हालात बिल्कुल बदल गए। आज प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी भाषण दे रहे होते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान गांधी के पसीने छूटते हैं। मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने दीजिए, देश से आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात बता दें कि भाषण में योगी आदित्यनाथ ने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को इमरान गांधी के नाम से संबोधित किया और कांग्रेस पर हमला किया। दो चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी काफी आक्रामक मूड अख्तियार कर चुकी है और अपने विरोधियों पर तीखा हमला कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है और 23 को रिजल्ट के दिन जनता का मैंडेट किसको मिलता है। प्रियंका गांधी कल जो है वो सपा के स्टेज पे, मंच पे गई थी और हालांकि गठबंधन में वो हिस्सा नहीं है लेकिन मंच पर गई, इसके लिए इसका फायदा किसको होगा कि नुकसान किसको होगा, क्योंकि लग रहा है कि एक साथ है सब। देखिए, ये दिखाने के लिए अलग अलग हैं, वैसे एक हैं, एक होकर के लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से जब अलग अलग नहीं लड़ पाए तो सब मिल करके लड़ रहे हैं। अमेठी रायबरेली में भी आप देखेंगे कि सपा बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया है, कहीं सपा कहीं बसपा कहीं कांग्रेस, ये लोग सभी लोग जो है कहीं ना कहीं ये लोग कोई ना कोई दल किसी ना किसी जगह पर वोट कटवा की पोजीशन में है, केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये तीनों लोग बोल रहे हैं, सपा भी बसपा भी कांग्रेस भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर सीट को जीतने के लिए लड़ रही है और जीत इसलिए जिससे प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। तो ये जो शब्द होते हैं, ये जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, पाप पुण्य श्राप, ऐसी जो बातें कही जाती हैं, इससे थोड़ा एटमोसफियर खराब नहीं? कोई एटमोसफियर कोई ख़राब नहीं होता है। एटमोसफियर तब खराब हुआ था जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवाद के समकक्ष रखा था। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और मैं फिर इस बात को कह सकता हूँ, भारत में सेकुलरिज्म जिंदा इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है, अन्यथा 1947 में बना हुआ पाकिस्तान, भारत का विभाजन करके बना हुआ पाकिस्तान, सेकुलरिज्म की कैसी ध्वजियाँ वहाँ उड़ रही हैं। इस सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट क्यों नहीं पाकिस्तान में जाके इस प्रकार की बात करते हैं? ये भारत को बदनाम करने की साजिश है और इस साजिश को बेनकाब किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तो कभी कहता भी नहीं कि वो सेक्युलर है। मैं नहीं कहता हूँ। सवाल ये है
कि जो लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं उन लोगों को बताया जाना चाहिए। कांग्रेस ने तो चार पीढ़ी से अमेठी वासियों को, रायबरेली वासियों को निराशी किया है, और उस निराशा की अभिव्यक्ति आज जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अमेठी में श्रीमती स्मृति ईरानी आई हैं, तो स्मृति जी को जो समर्थन वहाँ पर प्राप्त हो रहा है, विगत 5 वर्ष के दौरान स्मृति जी ने जितने दौरे अमेठी के किए हैं, राहुल जी 15 वर्षों में उतनी बार नहीं गए, अमेठी नहीं गए, जितने विकास की योजनाएं अमेठी जी अमेठी में लेकर स्मृति जी आई हैं 15 वर्षों में उतना कार्य इन्होंने नहीं किया, राहुल गांधी ने नहीं किया। इसलिए वहाँ की जनता बदलाव चाहती है, और वो बदलाव के रूप में, विकल्प के रूप में स्मृति ईरानी जी वहाँ पर। मुझे लगता है हर व्यक्ति जानता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो अंक गणित है वह कम से कम 272 सीट चाहिए। देश के अंदर यह क्षमता केवल बीजेपी में है। जो लोग 37 और 38 सीट पर मात्र चुनाव लड़ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बनेंगे? यानी ये गणित के कौन से नियम की बात कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही होगा, और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार का समर्थन करने के लिए मैं मायावती जी को धन्यवाद दूंगा। योगी जी, ये पहले भी हो चुका है इस मुल्क में कि देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन गए थे, उस समय गया। देखिए, आज भारत अस्थिरता से उभर चुका है, आज भारत एक स्थायी सरकार चाहता है, एक स्थिर सरकार चाहता है, एक मजबूत सरकार चाहता है, मजबूर नहीं। ये देश जानता है कि मजबूर सरकार उसी प्रकार की मजबूरी दिखाता है हर एक मुद्दे पर, चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा हो, वैश्विक मंच हो, डेवलपमेंट के कार्य हो, या लोक कल्याणकारी योजनाएं हो। मोदी जी ने मजबूत सरकार के माध्यम से जिस मजबूती के साथ इन कार्यों को किया है वह अभूत। आपने देखा होगा कि वहां कांग्रेस का झंडा नहीं था, कांग्रेस के किसी सहयोगी का झंडा नहीं था, एक हरा झंडा और चांद सितारे इस पर बने हुए थे। मुस्लिम लीग जो देश के विभाजन का कारण था, वह मुस्लिम लीग अगर आज कांग्रेस का सागर बनी हुई है, तो अब कांग्रेस की नियत पर हमें स्वयं देखना चाहिए कि कांग्रेस इस देश को कहां ले जाना चाहती है। भाइयों बहनों, ये केवल कांग्रेस के साथ ही नहीं, ये गठबंधन के साथ भी है। सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो, ये जितने भी दल हैं भाइयों बहनों, सत्ता के दलदल में इतने उलझ चुके हैं कि इन्हें देश की सुरक्षा से मतलब नहीं, इन्हें देश की एकता और अखंडता से मतलब नहीं। आपने परसों सहारनपुर में सुश्री मायावती जी का भाषण पढ़ा होगा। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाया, उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। रुचि लेते भी कैसे, जब बड़े बड़े कारनामे करने से उन्हें फुर्सत होती, जब उन्हें लूट खसोट से फुर्सत होती, जब उन्हें नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने, मीडिया की स्वायत्तता पर प्रहार करने, या व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला बोलने और हल्ला बोल के नारों से जब उन्हें कभी फुर्सत होती, तो किसी गांव के बारे में, किसी गरीब के बारे में, किसी किसान के बारे में, किसी युवा के बारे में और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोच पाते। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने के बाद भी प्रदेश के अंदर इस योजना को सफलतापूर्वक पिछली सरकार लागू नहीं होने दी। योजना 2014 में प्रारंभ होती है, लेकिन प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस योजना को सफलतापूर्वक 2017 में हम लोगों ने लागू किया, और एक वर्ष में
हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 8,85,000 गरीबों के आवास बनाकर के तैयार किए।